प्रदेश के जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बाढ़ से बचाव की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने निर्देश दिया कि बाढ़ से प्रभावित समस्त ग्रामों में स्वास्थ्य विभाग की टीम भ्रमणशील रहते हुए विशेष रूप से मधुमेह, हृदय रोग, न्यूरो आदि बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों की जाँच करेगी और समुचित दवा उपलब्ध कराने में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि PHC व CHC स्तर के चिकित्सकों को ग्राम आवंटित कर नोडल अधिकारी नामित करें और उनके माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि ग्राम में 100% चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं और प्रत्येक दिन उनकी समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक ग्राम में कितने पशु हैं उनको सूचीबद्ध करते हुए भूसा व चारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन ग्रामों में बाढ़ नहीं है वहाँ के कर्मचारियों व चिकित्सकों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए नामित करें और उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति चिकित्सीय सेवाओं से लाभान्वित हो रहा है तथा ग्राम विकास अधिकारी अनिवार्य रूप से ग्राम में प्रवास करें। जिन ग्रामों में विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी गई है उन ग्रामों में संबंधित क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी जनरेटर उपलब्ध कराते हुए सायंकाल से ही विद्युत आपूर्ति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि तटबंधों की सतत निगरानी हेतु विशेष रूप से रात्रि काल के दौरान होमगार्ड्स एवं PRD के जवानों की तैनाती की जाए, साथ ही पुलिस विभाग की टीम वायरलेस सेट सहित तटबंधों पर भ्रमणशील रहे। उन्होंने नवनिर्मित तरकुलानी रेगुलेटर, खोरावार तथा अन्य प्रमुख स्थलों जहाँ बाढ़ का पानी लगा है वहां नहाने पर कठोरता के साथ प्रतिबंध लगाए जाने और यथा आवश्यक उक्त स्थल पर सुरक्षाकर्मी की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि तटबंधों की सतत निगरानी की जाए और जहां जहां पर सीपेज आदि घटनाएं घटित हो रही हैं वहां पर पर्याप्त मानव व भौतिक संसाधन लगाते हुए तटबंधों को सुरक्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित सड़क मार्ग की सतत निगरानी की जाए और जहां जहां पर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था बनाए रखी जाए, साथ ही बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इस हेतु आपदा कार्यालय द्वारा बाढ़ राहत सामग्री के साथ वितरित किए जा रहे 5 लीटर के जेरिकेन का प्रयोग किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक विकास खंड स्तर पर कम्युनिटी किचन संचालित किया जाए और प्रभावित व्यक्तियों को शुद्ध व गर्म भोजन तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा अनुमन बाढ़ राहत खाद्यान्न किट का वितरण नियमानुसार सुचारू रूप से कराया जाए। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मंत्री जी को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का गुणवत्तापूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा कृत कार्रवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। बैठक में विधायक विपिन सिंह, विमलेश पासवान, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, DM विजय किरण आनंद, SSP डॉ. विपिन ताडा, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, CMO डॉ. सुधाकर पांडे, AM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित विभिन्न अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बहुत अच्छे ढंग से रामपुर में पानी बहुत कम हो गया है, रात में पीछे पानी कम हो गया है, सरयू में पानी बारह बजे से होना की तरह बहुत कम हो गया है, यहाँ थोड़ा पानी बढ़ा हुआ है, लेकिन 4,25,000 क्यूसिक तक उन्होंने छोड़ा है पानी, लेकिन उसको यहाँ पहुँचने में 5-6 दिन लगेंगे, तब तक ये सब पानी निकल जाए। इस कारण थोड़ी सी समस्या हो गाय को कभी मारी नहीं सकी, इसलिए उस गाय को प्रणाम करते।